वर्तमान में स्काई डिपार्टमेंट जो है सर्व कृष्णा योर सेल्स, जिसके माध्यम से फंड रेजिंग और बहुत सारी सेवाएं होती हैं, तो उसके प्रभु जी हेड हाउस को लीड कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा अवसर है हम सबके लिए, तो ध्यानपूर्वक श्रवण करिए और प्रभु जी विशेष तौर से बृहद भागवत अमृतम उससे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं के बारे में बताएंगे, ध्यानपूर्वक सुनिए और इसके पश्चात भी क्वेश्चन आंसर सेशन रहेगा। तो हम प्रभु जी का एक बार धन्यवाद करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। दो मिनट कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्री प्रहलादेश नरसिंह देव भगवान की। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं
श्रीगुरून्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। हमारा परम सौभाग्य है कि हम ये पावन महोत्सव नरसिंह चतुर्दशी मना रहे हैं और वो भी मना रहे हैं बहुत ही उच्च शुद्ध भक्तों की संगति में, जैसे श्री श्रीमद् लोकनाथ स्वामी महाराज महाराज से श्रवण करके उनके कीर्तन नृत्य गीत इत्यादि करके ये वास्तविक महोत्सव है। और साथ में श्री श्रीमद् भक्ति केवल गोपिंद्र कृष्ण स्वामी महाराज महाराज जी हम सबके ऊपर कृपा करने के लिए आए हैं। और जब राधापाद प्रभु का वो उदाहरण मैं सुन रहा था स्पॉन्ज का, तो मैं महाराज के विषय में सोच रहा था, क्योंकि चैतन्य चरितामृत जैसे विस्तृत ग्रंथ महाराज को कंठस्थ याद है। और ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते थे एग्जाम के पहले, याद करते थे लिख के आते थे फिर भूल जाते थे, दैट इज़ जस्ट रट्टाफिकेशन। बट ये हृदय में आत्मसात किए हैं शिक्षाओं को, इसलिए महाराज से आशीर्वाद की अभिलाषा करते हुए हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे लिए महोत्सव का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा लेना। महोत्सव तो बहुत लोग मनाते हैं, अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी कि इंदौर में नरसिंह जयंती बन रही है, और मैंने उस वीडियो में देखा इस्कॉन की नहीं बाहर की कोई ग्रुप की कोई मंडल की, और नरसिंह देव पिलर से बाहर निकले और दो लोग उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं, वो आदमी जो नरसिंह देव बना है उसको, क्योंकि उसकी कॉस्ट्यूम इतनी हैवी थी वो उस खुद को उठा नहीं पा रहा था। तो जिनको यही बोध नहीं है कि भगवान की क्या स्वरूप है क्या अस्तित्व है, उनके लिए महोत्सवों का अर्थ वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन भक्त संगति में जब हम लोग बैठते हैं श्रवण करते हैं सुनते हैं तब जाके हमें महोत्सव का विशेष लाभ मिलता है। और उसमें भी उस महोत्सव में जो भगवान के शुद्ध भक्त हुए हैं उनके विषय में सुनना चाहिए। जैसे हम जगन्नाथपुरी जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं जगन्नाथ की कथा सुनते हैं, वो तो अच्छा है ही, लेकिन जगन्नाथपुरी में जाके चैतन्य महाप्रभु के उनके अनुयायियों की कथा सुनना ये और भी श्रेयस्कर है। जैसे हम मायापुर जाते हैं, मायापुर में भगवान के शुद्ध भक्त जैसे शुक्लांबर ब्रह्मचारी इत्यादि उनकी कथा सुनना और भी श्रेयस्कर है, श्रीवास पंडित इत्यादि। वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में राधा कृष्ण की लीला सुनाने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन षड गोस्वामियों के बारे में सुनना ये और भी श्रेयस्कर है, क्योंकि हम सबको भक्त बनना है। हम भगवान बनने के लिए इस्कॉन में नहीं आए हैं, हम भक्त बनने के लिए आए हैं। तो भक्त चरित्र सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत है वास्तव में भक्त महिमा को गान कर रहा है। भगवान की महिमा तो है ही, भगवान और भक्त अलग नहीं है,
भगवान की महिमा मतलब भक्तों की महिमा, भक्तों की महिमा मतलब भगवान की महिमा। तो उसी ग्रंथ के विस्तार में श्रील सनातन गोस्वामी ने एक और ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है बृहत भागवतामृत। ये बहुत ही विशेष ग्रंथ है। जब जन्मेजय जैमिनी ऋषि से श्रवण कर रहे थे उस समय उन्होंने ये ग्रंथ सुना था। और कैसे सुना था, जन्मेजय ने प्रश्न पूछा है कि मैं कुछ और सुनना चाहता हूँ, भागवत तो सुन लिया, भागवत के बाद कुछ और सुनना चाहता हूँ सारांश। तो उनको बताया गया कि जब परीक्षित महाराज ने भागवत श्रवण कर लिया तो उनकी माता परीक्षित महाराज के पास आई और परीक्षित महाराज से पूछने लगे कि तुमने 7 दिन इतना श्रवण किया, तुम सारांश बताओ, तुमने क्या सीखा है, क्योंकि हमको पता है आगे आने वाले युगों में समय की कमी रहने वाली है, दिन भर व्यक्ति फ्री है फिर भी समय कम है। तो इसलिए उन्होंने हमारे उत्थान के लिए, हमारी भलाई के लिए बोला, सारांश बताओ। तो परीक्षित महाराज ने अपनी माता को ये बृहद भागवत अमृत सुनाई थी। ये सारांश है, भागवत का अमृत तो है ही लेकिन सारांश रूप में। इसमें जो सिद्धांत बताए हैं वास्तव में हमारी गौड़ीय सिद्धांत बहुत स्पष्ट रूप से इस ग्रंथ के माध्यम से समझ में आते हैं। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं, आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। श्रीमत् प्रभु पदाम्भोजय सर्व भागवतामृते व्यक्ति कृतास्ति गुणाभी भक्ति सिद्धांत माधुरी। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को अपना गुरु मानते थे। ये बृहद भागवत अमृत की शुरुआत में सनातन गोस्वामी बोलते हैं ये सब मैंने कहाँ से सीखा, ये सब मैंने रूप गोस्वामी से सीखा है। और रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि सनातन गोस्वामी ने जितने भी भक्ति के सिद्धांत हैं और मधुरिमा है वो सब एकत्र कर दी है इस बृहद भागवत अमृत ग्रंथ में। तो इससे सीखने में हमें भक्ति के सिद्धांत मधुरिमा सब एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। तो हम लोग जा रहे हैं, कोई एक भक्त इसको हैंडल कर सकते हैं, मैं श्लोक नंबर बताऊंगा, आप लोग जा सकते हैं। ये बृहद भागवतामृत के श्लोक भागवत से अभिन्न है, इनको दोहराने में वही नैष्टिक भक्ति की प्राप्ति होती है। तो हम लोग बीच बीच में कुछ कुछ श्लोक भी दोहराएंगे। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ, बहुत सारे भक्तों को तो ये पता ही है, श्री श्रीमद् भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज इसके ऊपर कई बार प्रवचन दे चुके हैं। और ऐसा पुराने भक्त बताते हैं कि वृंदावन धाम में एक महीना तक इस ग्रंथ के ऊपर प्रतिदिन प्रवचन दिए थे और अभी तक उसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध नहीं थी। खुशखबरी है कि उसकी पुरानी DVD मिल गई है, ओल्ड स्टाइल है, उसको हम लोग अभी कन्वर्ट कर रहे हैं। एक महीने तक प्रतिदिन गुरु महाराज इसके ऊपर प्रवचन किए थे। तो बहुत ही गहरा ग्रंथ है। श्लोक संख्या 45 से हम लोग पढ़ेंगे। हुआ ऐसा कि नारद मुनि खोज करने के लिए गए कि श्रेष्ठतम भक्त कौन है। प्रयाग में थे, मैं शुरू का अंश बड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा। प्रयाग में थे, एक ब्राह्मण के पास गए, उनको बोला आप सबसे उत्तम भक्त हैं, आपकी भक्ति देखिए, इतनी ठंड में भी आप इतने ठंडे पानी में खड़े होकर के स्नान करके भगवान का स्मरण कर रहे हैं। जैसे कल नरसिंह अभिषेक के बाद कौन कौन बिना चप्पल के थोड़ा देर चले थे, कौन कौन चले थे, हाथ उठाइए थोड़ा। हाँ, कॉपर प्लेट पे चलना कैसा होता है, हॉट कॉपर प्लेट, वो सबका अभ्यास है। तो गर्मी सर्दी सहन करना बड़ा मुश्किल है, भगवान गीता में बोलते हैं शीतोष्णो सुख दुखदा। तो नारद मुनि बोलते हैं आप इतना सहन कर रहे हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं और पूरे परिवार के साथ भगवान की आराधना करते हैं। तो ब्राह्मण बोलता है नहीं, मैं तो बड़ा तुच्छ व्यक्ति हूँ, मैं क्या सेवा करूँगा और मैं क्या अर्पित करूँगा, आप दक्षिण भारत जाइए, दक्षिण भारत में एक बड़ा राजा है जो भगवान का श्रेष्ठतम भक्त है। दक्षिण भारत चले गए नारद मुनि। नारद मुनि के पास अपनी खुद की एयरलाइन है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं उनकी एयरलाइन का नाम क्या है, मनह गति, ये उनकी एयरलाइन है। वो मन में सोचते हैं बस दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, उनको कोई टिकट वीज़ा पासपोर्ट कुछ नहीं करना पड़ता। तो मनह गति तुरंत दक्षिण भारत पहुँच गए, वहाँ के राजा को बोलते हैं आप श्रेष्ठतम भक्त हैं।
राजा बोलते हैं मैं क्या भगवान को सेवा कर पाऊंगा। हम सब भूलोक के राजा तो छोटे मोटे राजा हैं, इंद्र को देखो, इंद्र कितना बड़े राजा है। इंद्र को भगवान ने अपना भ्राता माना है, उपेंद्र रूप में भगवान जो आए हैं, इंद्र के भाई, छोटे भाई बन के आए हैं। कौन थे वो? वामन देव। और स्वयं इंद्र अपने हाथों से वामन देव को भोग लगाते हैं और भगवान पाते हैं। भोग लगाते हैं मतलब मुख में खिलाते हैं, और इंद्र के हाथ से उपेंद्र वामन देव भोजन प्राप्त करते हैं, भोग प्राप्त करते हैं। तो ऐसे सौभाग्यशाली इंद्र के पास आप जाइए। ठीक है, नारद मुनि इंद्र के पास गए। इंद्र बोलते नहीं नहीं, मेरा नाम तो भक्तों की लिस्ट में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? मैंने जितनी गड़बड़ की है और किसी ने नहीं की है। और व्यक्ति नई नई गलतियां करे तो समझ में भी आता है, मैं तो एक ही गलती करता हूँ, हमेशा भगवान से जाके भिड़ जाता हूँ। एक व्यक्ति को आपको समझ में आ गया इनसे नहीं भिड़ना है तो दोबारा आप उसके पास नहीं जाओगे। कृष्ण लीला में 7 दिन 7 रात इंद्र ने संवर्तक बादलों से वर्षा की, भगवान ने उसको माफ़ भी किया, और फिर वही कृष्ण लीला में दोबारा लड़ गया भगवान से, जब भगवान पारिजात वृक्ष लेने के लिए गए दोबारा लड़ गया। इंद्र बोलता है मेरी तो गणना होनी नहीं चाहिए, आप जाइए ब्रह्मा जी के पास। फिर ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी के पास जा करके नारद मुनि फिर गुणगान करने लगे कि आप सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं तुम्हारी स्मरण शक्ति को क्या हुआ? तुमको मैंने भागवत का उपदेश दिया था ना, भागवत के दूसरे स्कंद में क्या आता है? नारद मुनि ब्रह्मा जी को प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मा जी खूब डांटते हैं नारद मुनि को, और फिर चतुर्श्लोक की भागवत उनको सुनाते हैं। मैं सर्वश्रेष्ठ भक्त नहीं, मैं तो कितनी गड़, मैंने भी भगवान के बछड़े इत्यादि सबको चुरा लिया, और मैंने कितना भगवान को कष्ट दिया, उनके भक्तों से उनको दूर किया। और जब मैं क्षमा मांगने गया, देखो अलग अलग भक्त गलती करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं, भगवान फिर प्रतिउत्तर में उनको माफ़ कर देते हैं। जैसे इंद्र को क्षमा किया, भगवान ने उसको आशीष वचन भी दिए, ब्रह्मा जी ने लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं की, भगवान कुछ बोले ही नहीं, नो रिप्लाई। मान लो आप किसी को 150 व्हाट्सएप मैसेज भेजो, नो रिप्लाई, कितनी बड़ी बेइज्जती है। ब्रह्मा जी बेचारे परिक्रमा करके चले गए, मैं सबसे बड़ा भक्त नहीं हूँ, आपको जाना है तो भगवान शिव के पास जाओ, वैष्णवानाम यथाशम, भगवान शिव के पास जाओ, भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अच्छा, नारद मुनि भगवान शिव के पास चले, बुरी बुरी प्रशंसा भगवान शिव की करने लगे। उस समय पर भगवान शिव ये श्लोक बोलते हैं। पहले तो ये बोलते हैं कि मैं कैसे भक्त नहीं हूँ, मैंने कितनी गलतियाँ की, मैं भगवान से ही लड़ गया, और मैंने ऐसे ऐसे असुरों को वरदान दे दिए जो भगवान के विद्वेषी बन गए इत्यादि। 75वें नंबर श्लोक से भगवान शिव एक विशेष भक्त का गुणगान कर रहे हैं। तो हम लोग भी महाकाल की नगरी में हैं, भगवान शिव से ही श्रवण करते हैं प्रहलाद के चरित्र के बारे में। आप लोग पीछे दोहराइए, तो मृद मद गरुड़दादितश्च श्रियोपि कारुण्य विशेष पात्रम् प्रहलाद एव प्रथितो जगत्याम् कृष्णस्य भक्तो नितराम प्रियश्च। तुमको अगर कोई भक्त के बारे में जानना है नारद, ऐसे भक्त के बारे में बताता हूँ जो गरुड़ से, शेष से और मुझसे भी श्रेष्ठ है। ऐसा भक्त कौन है? प्रहलाद। प्रहलाद का चरित्र सुनो, क्यों इतना श्रेष्ठ है ये प्रहलाद? एकमात्र भक्त के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। देखिए अलग अलग भगवान की जो लीलाएं होती हैं, भगवान बहुत सारे कार्य एक अवतार में सिद्ध कर देते हैं, जैसे युग धर्म की स्थापना भी कर देते हैं, जिस जिसको वचन दिए थे वो सब पेंडिंग लिस्ट भी पूरी कर देते हैं, बहुत सारे काम निपटा देते हैं एक बार में। लेकिन ये एक ऐसे अवतार है नरसिंह अवतार, एक भक्त के लिए भगवान ने अवतार लिया प्रहलाद। और क्या प्रयोजन था भगवान नरसिंहदेव का आने के लिए? शाश्वत भगवान के धाम में नरसिंहदेव हमेशा रहते हैं, और नरसिंहदेव की अर्चन पूजन सदियों से चलती आ रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये भूमंडल पे, भूतले पर क्यों लीला करने आए? प्रहलाद के लिए। कितना सौभाग्य होगा। अच्छा, नरसिंहदेव को हैंडल करना हर किसी की बस की बात भी नहीं है,
नरसिंह देव को प्रहलाद ही संभाल पाए, आगे बताएंगे भगवान शिव विस्तार से। जैसे एक बार रावण को नरसिंह देव का एक विग्रह मिला था, जब कुबेर का धन रावण ने लूटा था तो उस धन में, उस खजाने में एक नरसिंह देव का स्वर्णिम विग्रह था। तो रावण उस विग्रह को लोभ लोभ में लेकर आ गया और अपने महल में रख लिया। जब महल में रख लिया तो सब उल्टी सीधी चीज़ें होने लगी, उसके घर में सब अस्वस्थ होने लगे, सब जानवर इत्यादि मरने लगे, बहुत कुछ असुविधा होने लगी, अपशगुन होने लगे। तो उसने ज्योतिषी को बुलाया, बोला ये क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि जो तुम विग्रह उठा के लाए हो वो नरसिंह देव का है, और नरसिंह देव हर किसी के बस की बात नहीं है, तो क्या करें? बोले तुम्हारे घर में एक भक्त है, उसके पास पहुँचा दो। कौन? विभीषण। विभीषण के पास नरसिंह देव इस तरह पहुँच गए। तो हर किसी से संभलते भी नहीं हैं। तो प्रहलाद के लिए, एकमात्र प्रहलाद के लिए भगवान ने अवतार लिया, इससे बड़ी करुणा भगवान की और क्या होगी? तो इस तरह नरसिंह देव प्रहलाद के ऊपर अनुकंपा कर रहे थे, और क्यों कर रहे थे आगे बता रहे हैं। श्लोक संख्या 79 पीछे दोहराइए। तत्रापि अशेष भक्तानां उपमानन्तयोदिता साक्षात् भगवतैवासौ प्रहलादो अतर्क्य भाग्यवान। प्रहलाद अतर्क्य भाग्यवान। जो ये प्रहलाद है ये कितना भाग्यशाली है कि कोई तर्क नहीं दिखा सकता कि इससे ज़्यादा भाग्यशाली कोई और है। इतना भाग्यशाली प्रहलाद है। क्यों? क्योंकि इसको भगवान ने शुद्ध भक्ति दी, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। भक्ति विनोद ठाकुर तीन तरह के भक्त बताते हैं, तीन तरह के भक्त हैं। एक है स्वनिष्ठ भक्त। स्वनिष्ठ भक्त मतलब जिनको हमेशा यही चिंता लगी रहती है कि मेरा क्या होगा, है ना? जैसे हम लोग जब पुणे में थे तो एक भक्त ने बहुत अच्छा वृत्तांत बताया कालिया के ऊपर, कालिया का उद्धार कैसे भगवान ने किया, कैसे भगवान ने उसको अपने चरणों की छाप दी इत्यादि इत्यादि। और वो पूरा वृत्तांत सुनने के बाद वो पूना मंदिर में, NVCC में आपने देखा होगा, भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, है ना? तो वो भक्त पूरा वृत्तांत सुनने के बाद वो कालिया के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोलता है तेरा तो हो गया कालिया, मेरा क्या होगा। मेरा क्या होगा? सनिष्ठ मतलब हमेशा अपने अपने बारे में सोचता रहता है, मेरी इंद्र तृप्ति कैसे होगी, मेरी इच्छाएं पूरी कैसे होंगी, मैं भगवान के पास जाऊंगा इसी उद्देश्य से। सनिष्ठ देवता सनिष्ठ भक्त हैं। स्वर्ग चला जाता है तो प्रार्थना करने जाते हैं स्वर्ग के लिए, विपत्ति आती है भगवान के पास जाते हैं, अच्छा है वो भी भक्त हैं लेकिन सनिष्ठ। दूसरी कैटेगरी है परिनिष्ठिता भक्त। परिनिष्ठिता भक्त मतलब स्वयं के बारे में इतना नहीं सोचते हैं लेकिन फिर भी मुक्ति की थोड़ी आकांक्षा रहती है कि हम लोग मुक्त हो जाएं कम से कम। जैसे हम लोग भक्ति करते हैं कई बार इस तरह पुश दिया जाता है, देखो भक्ति अच्छे से नहीं करोगे तो संसार में ही रहना पड़ेगा। लेकिन फिर शिक्षा अष्टकम में क्या गाते हैं रोज, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति रहे तो की तो। प्रार्थना रोज कर रहे हैं जन्म जन्म दो भगवान लेकिन आपकी भक्ति दो, लेकिन अंदर इच्छा होती नहीं नहीं मत दो, जाने दो यहाँ से, हमको फटाफट निकलने दो। परिनिष्ठित भक्त। लेकिन प्रहलाद हैं निरपेक्ष भक्त, इस सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं जिनकी कोई अपेक्षा नहीं, निरअपेक्षा, जिनकी स्वयं की कोई अपेक्षा नहीं है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति तुआधिकार, हे भगवान मैं आपका दास हूँ। इसलिए भगवान ऐसे भक्तों को सर्वश्रेष्ठ प्रेम करते हैं। मांगने तो दुनिया जाती है भगवान के पास, लेकिन ये निरपेक्ष भक्त केवल भगवान की सेवा करने जाते हैं, मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई बच्चे माता पिता से ऐसे मांगते हैं क्या कि आपने ना इस महीने बहुत अच्छा किया, हमारी फीस भर दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर दी, खाना पीना दे दिया, अगले महीने का अरेंजमेंट है कि नहीं कि हम किसी और के पास जाएं? बच्चे कभी नहीं करते, उनका माता पिता के ऊपर पूरा आश्रय है। उसी प्रकार से निरपेक्ष भक्त हैं प्रहलाद। अगला श्लोक। तस्य सौभाग्यम अस्माभिः सर्वे लक्ष्म्यापि अनुत्तमम् साक्षाद्धिरण्यकशिपोर् अनुभूतं विदारणे
विदारणे। बोल रहे हैं कि जब भगवान ने विदारणे हिरण्यकशिपु को ऑपरेशन किया था उस समय पर हमने देखा था। भगवान शिव बोल रहे हैं, कब का दृष्टांत दे रहे हैं? आज शाम का, जब हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन हुआ था उस समय पर हमने देखा था। क्या देखा था? कि सबसे ज़्यादा प्रेम भगवान ने प्रहलाद के ऊपर दिखाया। भगवान इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे कि वहाँ पर जितने अनुयायी थे, हाँ सुबह तो महाराज बता रहे थे कई तो देख के ही मर गए थे, इतने क्रोध में थे। ब्रह्मा जी इत्यादि सब पास में आने की प्रयास कर रहे हैं लेकिन भगवान के क्रोध को शांत नहीं कर पा रहे हैं। फिर लक्ष्मी जी के पास गए, लक्ष्मी जी को भेजे हैं। लक्ष्मी जी जैसे ही पास में गए, भगवान ने ऐसी एक धाड़ मारी है, लक्ष्मी जी भी दूर। भागवत में लिखा है कि लक्ष्मी जी बोलती हैं, ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा, दिस इज़ फर्स्ट टाइम, हमारा भी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। तब प्रहलाद को देख करके भगवान एकदम शांत हो गए। तो ये हमने उस समय पर सौभाग्य देखिए प्रहलाद का, लक्ष्मी, भगवान शिव, ब्रह्मा इत्यादि सब देवता दूर हट गए लेकिन प्रहलाद के ऊपर भगवान ने अनुकंपा की। और पुनः पुनः अगला श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, पुनः पुनर्वरान पुनः पुनः वरान्दित्सुर विष्णुर्मुक्तिं न याचिता भक्तिरेव व्रतायेन प्रहलादं तन्नमाम्यहम्। भगवान शिव प्रणाम मंत्र बना दिए प्रहलाद का, मैं प्रणाम करता हूँ उस प्रहलाद को जिसको बार बार नरसिंहदेव ने बोला, पुनः पुनः बार बार बोला, मांगो ना, क्या चाहिए मांगो, बार बार बोलो। जैसे कभी हम प्रसाद लेने जाते हैं ना तो भक्त लोग बोलते हैं कि देखो बार बार मत पूछो, हम आग्रह के कच्चे हैं, सच में ले लेंगे। तो बार बार किसी को पूछो, एक दो बार तो व्यक्ति मना करते ही है लेकिन बार बार पुनः पुनः पूछने पर भी प्रहलाद ने मना किया, नहीं और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये प्रहलाद की भक्ति है। और पुनः पुनः का मतलब है बार बार प्रहलाद ने केवल शुद्ध भक्ति ही मांगी। ये चॉइस हमेशा हमारे सामने रहेगी, कृष्ण चुनना है माया चुनना है, कृष्ण चुनना है माया चुनना है, और हर बार कृष्ण को चुनना है, ये शुद्ध भक्ति है, इसलिए ये कठिन है। तो प्रहलाद महाराज को प्रणाम कर रहे हैं। और कितना प्रणाम, कितना भगवान प्रेम करते हैं, दो उदाहरण भगवान शिव दे रहे हैं, दो उदाहरण। एक बलि महाराज का, बलि महाराज ने जितनी गलतियां की हैं वास्तव में उनको भगवत भक्ति नहीं मिलना चाहिए थी, ऐसा भगवान शिव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पहली बात, असुर कुल में बलि महाराज आए। दूसरी बात, ब्रह्मा जी का जो व्यवस्था है उसको भंग किया बलि महाराज ने। क्यों? देवता रहते थे स्वर्ग में और दानवों को दिया था बिल्व स्वर्ग जो भूमि के नीचे है, तो उन्होंने सिस्टम उल्टा कर दिया, उन्होंने स्वर्ग पे भी आधिपत्य कर लिया, तो ब्रह्मा जी का सिस्टम बिगाड़ा, वो भी गलती थी। उसके बाद गुरु की अवहेलना की। अब यद्यपि हम जानते हैं कि गुरु न सस्या, छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भगवान शिव बोल रहे हैं कि गुरु की भी अवहेलना की, ये भी गलती थी, शास्त्र के अनुसार तो ये भी गलती है, और भगवान को जो प्रॉमिस किया वो भी पूरा नहीं किया। भगवान को दिखाया कितना घमंड, भागवत में श्लोक दर श्लोक है। वामन देव जब आए तो बलि महाराज बड़े गर्व से बोलते हैं, मांगो, क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको, घर चाहिए, घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, रथ चाहिए, धन चाहिए, एक सुंदर ब्राह्मणी ला दूं शादी कराने के लिए, क्या चाहिए बोलो। वामन देव कुछ नहीं बोले, तीन पग भूमि चाहिए, तीन पग भूमि, इतनी छोटी चीज। और बोलते बोलते ये भी उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारी बुद्धि ना, तुम्हारा शरीर तो छोटा है तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है, तुम उतना सोच नहीं पा रहे हो, इतना बलि महाराज ने बोल दिया। अब देखो गोपियां भगवान को लाना देती हैं वो अलग चीज़ है, ये बलि महाराज है ना, तो बलि महाराज इतना कुछ बोल दिए और उसके बाद अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए। तीन पग भूमि की वचन दिया था वो भी पूरा नहीं कर पाए। तो भगवान शिव लिस्ट गिना रहे हैं, इतना कुछ अवगण होने के बाद भी अंत में जो दिया वो क्या दिया? त्रिलोक का ऐश्वर्य, एक भूमंडल का ऐश्वर्य, एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य, वो भगवान के सामने कैसा है? हम लोग प्रभुपाद के प्रवचनों में सुनते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं एक सरसों का दाना एक बड़े सरसों के थैले में रखा हो, ये हमारा ब्रह्मांड। बलि महाराज ने एक ब्रह्मांड भगवान को दे दिया और बोला मेरे ऊपर पैर रख दो,
ये क्या बहुत बड़ा दान है? आत्मनिवेदन है, लेकिन भगवान शिव बोल रहे हैं क्या ये बहुत बड़ा दान है? नहीं, ये बहुत बड़ा दान नहीं है। फिर भी भगवान ने क्यों कृपा की? नारद सोचो, सोच सोच के सोचो, कल महाराज बोल रहे थे प्रवचन में, सोच सोच के सोचो नारद क्यों कृपा की। इन द मीन टाइम जब तक सोचते हो, दूसरा उदाहरण सुनो। भगवान शिव बोलते हैं, दूसरा उदाहरण है बाणासुर का। बाणासुर ने मुझसे आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान शिव बोल रहे हैं, मुझसे आशीर्वाद प्राप्त करके मुझसे ही लड़ने लगा। अब ऐसे व्यक्ति को कृपा देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। उसके बाद भगवान से लड़ने लगा, और ऐसे कुल में वो आ रहा था जहाँ सब विष्णु भक्त थे, प्रहलाद महाराज, बलि इत्यादि। उसने अपने कुल का धर्म भी छोड़ा, छोड़ा ही नहीं, ब्राह्मणों का, गाय का, सबका हत्यारा बना। ऐसे व्यक्ति को क्या कृपा मिलनी चाहिए थी? अब सोचो बाणासुर को क्यों कृपा मिली? नारद मुनि बोले, हाँ उसको तो इसलिए कृपा मिली क्योंकि आपने प्रार्थना की। भगवान शिव बोलते, मैंने प्रार्थना की? मैं तो डर के छुपा हुआ था, प्रार्थना तो मैं कर रहा था लेकिन मेरी प्रार्थना से कुछ नहीं हुआ। क्या कारण है? अगले श्लोक में बहुत सुंदर रूप से बताते हैं, 84। क्यों कृपा की? केवल एकमात्र कारण, केवलम तन्महाप्रेष्ठा प्रहलाद प्रीति अपेक्षया किं भूरयाम परम आत्रस्ते गौरी लक्ष्म्या प्रिया सखी। केवल एकमात्र कारण है प्रहलाद के प्रति भगवान की प्रीति। बस बलि को कृपा क्यों की, बाणासुर को कृपा क्यों की? केवल प्रहलाद। तो प्रहलाद इतने प्रिय हैं कि उनको ही नहीं, उनके साथ वालों को भी भगवान कृपा करने के लिए तैयार है। जैसे कभी कभी कूपन चेकिंग होती है ना किचन में, तो जो कूपन चेक करने वाला होता है उसका जब दोस्त आता है तो सोचता है, अरे तेरे से क्या कूपन लेना, चल आ जा अंदर। तो ये प्रेम का थोड़ा लक्षण है, नियम तोड़ना, है ना, ऐसा करना नहीं आप में से कोई नियम तोड़ना प्रेम का लक्षण है। लेकिन इतना प्रेम कि अगर वो दोस्त 50 लोगों को और लेके आ जाए तो 50ों को अंदर घुसा दे, ये तो और ज़्यादा प्रेम हो गया ना। तो उसी तरह भगवान शिव बोल रहे हैं, प्रहलाद को तो कृपा की कि प्रहलाद के संबंध में जितने आए उन सबको भगवान ने कृपा की, इतना प्रेम प्रहलाद से भगवान करते थे। अब भगवान शिव बोलते 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 हैं, लेकिन अब मुझसे ज़्यादा मत बुलवाओ प्रहलाद के बारे में। क्यों? क्योंकि पार्वती सुन लेगी। मैं ज़्यादा बोलूँगा भावुक हो जाऊँगा, बोलते बोलते मेरी आवाज़ तेज हो जाएगी और मैं इतना प्रहलाद का गुणगान गाने लगूँगा कि पार्वती सुन लेगी। अब आप लोग बताओ क्या समस्या है पार्वती के सुनने में? यस, जिज्ञासा करेंगे कि मुझे पूरा विस्तार से। तो भगवान शिव को आलस थोड़ी था कि वो कथा सुनाना है, जिज्ञासा करेंगे तो कथा सुना देंगे। यस, पार्वती को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि अरे प्रहलाद बड़ा भक्त क्यों, मैं क्यों नहीं बन पाया। नहीं, ऐसा हमारे बीच में होता है, वहाँ नहीं होता है। बहुत अच्छा पॉइंट। भगवान शिव बोलते हैं इनकी लक्ष्मी से अच्छी दोस्ती है पार्वती की, और वुमेन पावर है ना, तो उनको लगेगा अरे लक्ष्मी से बड़ा भक्त बता रहे हैं प्रहलाद को। लक्ष्मी चिरकाल भगवान की संगिनी है और ये कल का लड़का प्रहलाद, ये तो नया नया भक्त बना है, इसका इतना गुणगान कर रहे हैं। पति में दोष तो पत्नी निकाल सकती है, तो पार्वती गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए मुझसे ज़्यादा मत बुलवाओ। भगवान भी प्रहलाद को इस तरह श्रेष्ठ स्थान क्यों दिए? ऐसा नहीं है कि ये बात केवल भगवान शिव की है। भगवान नृसिंहदेव स्वयं बोले हैं प्रहलाद को कि तुम अभी तक जितने मेरे भक्त हुए हैं और अभी वर्तमान में जितने भक्त हैं उन सब में श्रेष्ठ हो, ऐसा भगवान प्रहलाद को बोले हैं। क्यों बोले हैं? क्योंकि जब हिरण्यकश्यपु को वरदान मिले, हिरण्यकश्यपु को वरदान मिले कि ब्रह्मा ने इतना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वरदान दे दिया कि अब वो तो अजेय बन गया, ब्राह्मणों को हराने लगा, उनको प्रताड़ित करने लगा, यज्ञ इत्यादि धर्म कर्म बंद कराने लगा, तो भक्तों के हृदय में डर बैठ गया। क्या डर बैठ गया? कि आज भक्ति से श्रेष्ठ ये असुर हो गया है। हम लोग के अंदर भी कई बार ऐसा डर हो सकता है, कह रहे हम तो भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन ऐसा एक असुर जो सब भक्ति बंद कराने की क्षमता रखता है, इसका मतलब ये असुर लोगों की शक्ति के भक्ति से भी श्रेष्ठ हो गई है। ये डर भक्तों के अंदर बैठ गया, और ये डर को दूर करने के लिए भगवान ने प्रहलाद को ये बात बोली
जब हिरण्यकश्यप का वध किया उसके बाद, कि तुम ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ भक्त हो, तुम शिव से भी बड़े श्रेष्ठ हो, तुम शेषनाग से भी बड़े भक्त हो, तुम लक्ष्मी से भी बड़े भक्त हो। क्यों? कि वरदान देने वालों से भी बड़ा भक्त बन जाता है अगर शुद्ध भक्ति करे तो। ये भगवान स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरा कारण बहुत सुंदर यहाँ बृहद भागवतामृत में बताया है, बहुत सुंदर बात भगवान शिव बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। भगवान शिव बोल रहे हैं जो भगवान के नित्य संगी हैं, जैसे लक्ष्मी जी, जैसे शेषनाग, उनको तो भगवान की संगति सदैव मिलती ही रहती है, उनको उसके लिए कोई कठिन प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन जो भक्त इस भूलोक में भक्त बनते हैं, वो वास्तव में कितनी कठिन तपस्या करके भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इसलिए भगवान उनके ऊपर एक्स्ट्रा कंपैशन करते हैं, एक्स्ट्रा कृपा करते हैं। गोप कुमार की कथा में भी आता है, जब गोप कुमार भगवत धाम पहुँचते हैं, भगवान रोते हैं और भगवान बोलते हैं, मैं उन सभी त्याग को, तपस्या को स्मरण कर रहा हूँ जो तुमने मुझे प्राप्त करने के लिए किए हैं। इसलिए भगवान उनको अपने नित्य पार्षदों से भी ऊपर रख देते हैं। तो हमारे पास ऐसी चांस है ना, ये चांस हम सब बद्ध जीवों के पास है प्रभुपाद की कृपा से, कि अगर हम यहाँ भक्ति अच्छे से करेंगे भगवान को और प्रिय। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे ना, प्रोडिगल सन, जो दूर भटक गया है वो जब घर वापस आता है तो पिता को ज़्यादा खुशी होती है। तो इसलिए भगवान ने प्रहलाद को और उच्च स्थान दिया। और क्यों ना दें, ऐसा और भी लोगों के साथ किया। उद्धव को भी भगवान ने बोला है, उद्धव को भगवान ने एकादश स्कंद में बोला है, तुम लक्ष्मी से ज़्यादा प्रिय हो, तुम इससे ज़्यादा प्रिय हो, उससे ज़्यादा प्रिय हो। अम्बरीश महाराज के दृष्टांत में दुर्वासा को बोला है, ये मुझसे सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो भगवान उस तरह अपने भक्तों के साथ करते हैं। अब शिव बोलते हैं, जाओ तुम सुतल लोक में जाओ, सुतल लोक में तुमको प्रहलाद महाराज मिलेंगे। प्रहलाद महाराज को वहाँ पर मिलना और प्रहलाद महाराज का गुणगान करना। नारद मुनि तैयारी करते हैं सुतल लोक में जाने की, और सुतल लोक में प्रहलाद महाराज बलि के साथ रह रहे हैं। वास्तव में भागवत में ये दृष्टांत आता है कि भगवान स्वयं प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद देखो बलि को तो सुतल में भेज दिया और मैं भी जाने वाला हूँ वहाँ पर चौकीदार बन के, गार्ड बन के, तो क्यों ना कुछ दिन के लिए तुम भी आ जाओ, तो अच्छी संगति, अच्छी मेजोरिटी जमेगी, तुम भी चलो सुतल लोक में। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत अच्छी बात लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, देखो शुद्ध भक्त की स्थिति क्या है। वृद्ध अवस्था में भी प्रहलाद महाराज घर में थे, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्त हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अरे ये तो वानप्रस्थी हुए नहीं, ये तो संन्यास लिए नहीं, नहीं, शुद्ध भक्त वर्णाश्रम से ऊपर है। प्रहलाद महाराज सुतल लोक में थे, नारद मुनि वीणा बजाते बजाते वहाँ पर पहुँच गए, और जाने के पहले भगवान शिव ने एक चेतावनी दी कि देखो प्रहलाद इतना श्रेष्ठ भक्त है कि मैं और तुम, यानी नारद मुनि और भगवान शिव, हम दोनों को बिठा के उनका सम्मान करना चाहिए, लेकिन अगर तुम उनका सम्मान करोगे तो वो तुमसे बात नहीं करेंगे, ये उनका चरित्र है, इसीलिए तुम थोड़ा सावधानी से रहना, उनका गुणगान थोड़ी सावधानी से करना। हमारे साथ उल्टा होता है, हम कुछ काम करते हैं तो हमारे सीनियर्स को सावधान रहना पड़ता है, और इसका नाम नहीं बोला तो दिक्कत हो जाएगी, ये फिर बाद में अगली बार सेवा करेगा ही नहीं। हमारे साथ उल्टा होता है। यहाँ पर भगवान शिव जो कि परम वैष्णव हैं, और नारद मुनि जो प्रहलाद के गुरु हैं, वो दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, देखो उसकी तारीफ उसके सामने मत करना नहीं तो नाराज़ हो जाएगा, ये प्रेम है। तो यहाँ पर भगवान शिव की आज्ञा प्राप्त करके चले जाते हैं। नारद मुनि को कितना अच्छा लग रहा होगा उनके शिष्य के बारे में ऐसा भगवान शिव ने बोला। गुरु महाराज कई बार बताते थे कि मुझे तब अच्छा नहीं लगता जब आप लोग आके अपना गुणगान अपने मुख से करते हो, तब मुझे अच्छा नहीं लगता है, गुरु महाराज मैंने ये किया, गुरु महाराज मैंने वो किया, नहीं, ये अहंकार का सूचक है। मुझे तब अच्छा लगता है जब दूसरे लोग आके मुझे बताते हैं कि आपका ये शिष्य है जो बहुत अच्छा है, ये गुरु के लिए गर्व का विषय है। जब नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी ने आदेश दिया श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित के साथ प्रचार करने के लिए जाने के लिए, वृंदावन छोड़ के जाने के लिए, तो जीव गोस्वामी कार्तिक मास में सभी को बुलाए रहा था दामोदर मंदिर में, और लोकनाथ गोस्वामी से बोले हैं कि क्या आप आदेश दे रहे हैं इनको, जाना चाहिए नरोत्तम को कि नहीं जाना चाहिए, आपका तो एक ही शिष्य है, और उस समय पर बहुत वृद्ध थे लोकनाथ गोस्वामी, तो क्या इनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लोकनाथ गोस्वामी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। लोकनाथ गोस्वामी बोलते हैं, जैसे एक शिष्य भाग्यशाली होता है प्रमाणित गुरु को प्राप्त करके, एक गुरु भी अपने आप को भाग्यवान महसूस करता है
एक अच्छा शिष्य प्राप्त करके। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि नरोत्तम मेरा शिष्य बना है, ये गुरु का गर्व है। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु की सेवा के लिए आप इनको भेजो, चैतन्य महाप्रभु की सेवा ज़्यादा ज़रूरी है, ये गुरु का गर्व है। गौर केशवदास बाबा जी महाराज भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के प्रवचन में बैठा करते थे और अमर प्रभु कह के बोलते थे, मेरे प्रभु, जैसे मानो कोई अपने कोई शोपीस दिखाता है ना, कोई लोग जो नई नई घड़ी पहनते हैं तो ऐसा कुर्ता थोड़ा ऊंचा कर लेते हैं, थोड़ी घड़ी दिखती रहे, सब अपना कुछ ना कुछ शोपीस दिखाना चाहते हैं, ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं। तो गौर केशवदास बाबा जी महाराज भी सबको बताते थे, अमर प्रभु, ये मेरा प्रभु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये गुरु का गर्व है। नारद मुनि बड़े खुशी में सुतल लोक पहुँचे, प्रहलाद महाराज ने उनका स्वागत किया। प्रहलाद महाराज जब स्वागत कर रहे थे, नारद मुनि बैठ नहीं रहे थे, ज़बरदस्ती बिठाया, पूजा अर्चना करने लगे। नारद मुनि ने रोका, नहीं रुको, अभी हमारा दूसरा पर्पस है, आज व्यास पूजा डे नहीं है, आज दूसरा कोई पर्पस है, तो आज हम आए हैं एक विशेष काम के लिए। क्या काम के लिए आए हैं? नारद मुनि प्रशंसा करने लगे। नारद मुनि प्रहलाद की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रहलाद तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, मैं कितनी जगह घूम घूम के आ रहा हूँ तुमको पता है, मुझे क्या पता कि बगल में चोरा शहर में ढंडोरा, मेरे ही शिष्य शुद्ध भक्त निकलेगा, तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो, क्यों? तुमने बचपन से भगवान की भक्ति की है, तुमने गर्भ से भगवान की भक्ति की है। कौन ऐसा भक्त होगा जो गर्भ से भगवान की भक्ति करते हैं? जैसे एक बार बंसीधारी प्रभु को हमारे श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बोल रहे थे कि तुम मेरे से सीनियर हो, बंसीधारी प्रभु सिर खुजाने लगे, मैं आपसे सीनियर कैसे हूँ महाराज, आपने तो मुझे प्रचार किया, मैं आपसे सीनियर कैसे हूँ? महाराज बंसीधारी प्रभु को बोलते हैं, देखो तुम कितने साल में भक्ति में आए? महाराज 21। मैं कितने साल में भक्ति में आया? 30। तो मतलब तुम मेरे से 9 साल पहले भक्ति में आए, तो इसका मतलब तुम मेरे से सीनियर हो। तो यहाँ पर नारद मुनि वही लॉजिक लगा रहे हैं, तुम सबसे सीनियर क्यों हो? तुमने गर्भ में भक्ति शुरू की। हो सकता है कोई कोमाराम 5 साल की वर्ष में आयु में भक्ति शुरू करे, कोई 10 में करे, 15 में करे, 50 में करे, तुमने गर्भ में शुरू की इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। और दूसरा, ऐसे बाल्यकाल में भी तुमने कितना सहन शक्ति दिखाई है। कौन कितना बड़ा भक्त है जिसके अंदर जितनी बड़ी सहन शक्ति है? प्रभुपाद बोलते हैं एडवांसमेंट कैसे पता पड़ता है भक्ति में, कि प्रोवोकिंग सिचुएशंस, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कोई कर पाए, प्रभुपाद का वचन है, उतना उन्नत भक्त है। तो आपने प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन किया। अब सब लोग सोच रहे होंगे, हम भी तो बहुत सहन करते हैं प्रभु जी, हम 16 माला जप करते हैं, कितना सहन करते हैं हम, आज फास्टिंग है फिर भी आप क्लास सुनाए जा रहे हो, कितना सहन कर रहे हैं आपको। सहन किया, कैसे किया? नारद मुनि बोल रहे हैं, प्रसन्नता से सहन किया, आपने खुशी खुशी सहन किया। और उसका लक्षण क्या है? कि आपने प्रचार किया। कोई भक्त भक्ति में खुश है ये कैसे पता पड़ेगा? अगर वो प्रचार करे तो। अगर हमको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, हम सबको जा कर के बताते हैं। अरे जागतिक लोग कोई मूवी देख के आते हैं, सब बोलते हैं वो मूवी देखने जाना, उसको कोई कमीशन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, फिर भी बोलते हैं वो मूवी देखने के लिए जाना, क्योंकि उसको हृदय को स्पर्श की है। उसी तरह प्रहलाद महाराज प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सारे अपने असुर क्या बोलते हैं सहपाठियों को बिठा करके, छोटे छोटे राक्षस होंगे, छोटे छोटे दांत निकल रहे होंगे उनके बाहर, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे राक्षस बच्चों को बिठा करके कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं, ये प्रसन्नता है। राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं, हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। जो खुद ही प्रसन्न नहीं हो प्रचार क्या करेगा? लोगों को किताब बांटने जाते हैं हम, ये लीजिए भगवत गीता लीजिए, भागवत लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, और हमारा मुंह लटका रहता है, बोलते क्यों आपका सुधर गया क्या? नहीं मेरा नहीं सुधरा, तुम्हारा तो सुधर ही जाएगा कम से कम। दिस इज नॉट हैप्पीनेस। प्रहलाद महाराज को नारद मुनि बोल रहे हैं, तुम सहन भी किए, प्रसन्न भी थे और प्रचार भी किए, इसलिए तुम सर्वश्रेष्ठ भक्त। और जब नरसिंहदेव आए, सबको उपेक्षा करके केवल तुमको कृपा की है। मान लो गुरु महाराज आए यहाँ पर, ये 150-200 भक्त जितने भी हैं, एक भक्त को जाके अपनी माला डाल के चले जाएं, तो भक्त का कितना, नरसिंहदेव साक्षात अवतरण किए हैं प्रहलाद को कृपा देने के लिए, सबकी उपेक्षा कर दी, ना लक्ष्मी से बात की, ना ब्रह्मा से बात, किसी से बात नहीं की। हाँ प्रहलाद की प्रार्थना के बाद सबने थोड़ा थोड़ा बोला है, फिर सबने थोड़ा थोड़ा अपनी अपनी प्रार्थनाएं भी बोली हैं, लेकिन प्रहलाद। और इतना ही नहीं, अपना हाथ आपके सिर पे रखा है, और शेर की प्रवृत्ति है, बच्चे को चाटते हैं
तो प्रहलाद को नृसिंहदेव चाटना शुरू किए। जैसे कल जब अभिषेक हो रहा था, ऑयल अभिषेक, तो नृसिंहदेव के दांत निकाल दिए थे, देखा था आप लोगों ने, तो बिना दांत के ऐसे लग रहे थे जैसे नृसिंहदेव हंस रहे हो, दांत के साथ थोड़ा उग्र लगते हैं। तो दांत अंदर किए, जीभ बाहर निकाली और प्रहलाद को चाटने लगे, प्रेम दिखा रहे हैं। और आपसे बार बार पूछने पर भी मुक्ति तक आपने छोड़ दी और शुद्ध भक्ति भगवान ने आपको प्रदान की, कितना प्रेम करते हैं। इसीलिए भूमि, साक्षात भूमि प्रहलाद महाराज की प्रशंसा कर रही है। भूमि क्या बोल रही है, अहो कृतार्थ सुतराम नृलोको यस्मिन स्थितो भागवतोत्तमोसि। पृथ्वी बोल रही है, मैं धन्य केवल इसलिए हूँ कि प्रहलाद ने मेरे ऊपर चरण रखा है, इसलिए मैं धन्य हूँ। ये प्रहलाद महाराज की महानता है। अब ऐसा कोई अपन को ग्लोरिफिकेशन करेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे प्रत्युत्तर देंगे, हम लोग कैसे प्रत्युत्तर देंगे? दो तरीके होते हैं, एक रजोगुणी एक तमोगुणी। रजोगुणी प्रत्युत्तर होगा जो खुद फूल जाएगा, हाँ प्रभु जी थोड़ा आपने मिस कर दिया, एक्चुअली दो चार चीज़ें और भी थी वो आप बोलना भूल गए। और तमोगुणी प्रत्युत्तर कैसा होगा, तमोगुणी प्रत्युत्तर होगा हम नकार देंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं, हम प्रहलाद का उत्तर सुनेंगे। उसके पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ भगवान ने बोली है, सॉरी नारद मुनि ने बोली, दसम श्लोक, ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग पीछे दोहराइए, टेंथ, यस। यस्व प्रभु प्रीतिमपेक्ष पैतृकम् राज्यम स्वयं श्री नरसिंह संस्तुतौ संप्रार्ति हिता शेष जनो हृतश्चया स्वकृत्य तद्धन्य परोत्र वर्तते। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ पर बता रहे हैं, ये ध्यान से सुनना। सारी चीजें बता रहे हैं ना, जब नारद मुनि छोटे से बड़े त्याग के ऊपर बढ़ रहे हैं, जैसे बचपन से भक्ति की अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ा क्या है, सहनशीलता, उससे बड़ा क्या है, आपने प्रचार भी किया, उससे बड़ा क्या है, नरसिंहदेव ने सबकी उपेक्षा करके आपके ऊपर आशीर्वाद किया, उससे बड़ा क्या है, आशीर्वाद ही नहीं किया, अपनी गोदी में बिठा करके जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है वैसे नरसिंहदेव ने आपको प्यार किया, उससे बड़ी चीज क्या है, आपको शुद्ध भक्ति दी, अब उससे बड़ा, इससे बड़ा क्या हो सकता है, मारो तुक्का मारो, इससे बड़ा क्या हो सकता है, ट्रांसलेशन नहीं देखना है, यस। वो तो प्रहलाद महाराज ने बोला, नरसिंहदेव ने क्या दिया इससे बड़ा, पिता का उद्धार, वो तो भगवान बोले वो तो ऐसे बाय डिफॉल्ट विद पैकेट कॉम्प्लीमेंट्रीज, क्या दिया, नरसिंहदेव ने प्रहलाद को सेवा दी। नरसिंहदेव प्रहलाद को बोलते हैं, जिसने बैकुंठ जाने की अभिलाषा नहीं रखी, जिसने मुक्ति त्याग कर दिया, जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, उसको प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव बोलते हैं, अब तुम अपने पिता का सिंहासन संभालो। क्या ये कठिन परीक्षा नहीं है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको असीमित वैकुंठ नहीं चाहिए, उसको सीमित राज्य दे रहे हैं कि तुम ये राज्य संभालो। हम होते तो हम क्या करते, भगवान थोड़ा स्टेटस तो देखो हमारा, हम सब कुछ छोड़ के आए इसके लिए क्या, आपको थोड़े दातुन मंजन दे रहे हो हमको आप, नहीं, प्रहलाद महाराज स्वीकार कर लिए, ठीक है भगवान बोल रहे हैं मैं करूँगा। ये प्रहलाद की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, भगवान शिव ने बताया नारद मुनि के अनुसार। सर्वश्रेष्ठ क्या है, सेवा। प्रभुपाद बोलते थे सर्विस नाउ समाधि लेटर। ऐसा नहीं कि प्रभु जी सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हम, के मंदिर इसलिए आए कि हम, फिर आप हमसे काम करवा रहे हो, फिर आप हमसे पैसा इकट्ठा करवा रहे हो, फिर आप हमसे लेबर से डील करवा रहे हो, टेंट वाले से डील करवा रहे हो, गड्ढे खुदवा रहे हो हमसे आप, इसके लिए हम भक्ति में आए कि भारी तो अच्छे थे, हम आए बढ़िया एसी में बैठ के कथा सुनेंगे हम, इसके लिए हम मंदिर में आए, आप हो कि हमसे काम पे काम करवा रहे हो, नहीं, सेवा सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद है भगवान का। ये सब होने के बाद, कृष्ण प्रेम मिलने के बाद, उससे ऊपर है सेवा, इसलिए हमारी परंपरा में सेवा को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है।
ये सनातन गोस्वामी भक्ति सिद्धांत माधुरी माँ बता रहे हैं क्या है सेवा। इसलिए हम लोग हमारे गुरुवर्ग को देखते हैं, सेवा के लिए पूरा जीवन दिया है। कि हमारे गुरुवर्ग को हम ऐसा देखते हैं कि एक भी दिन चलो आज मूड नहीं कर रहा, आज गेट वेट नहीं खोलेंगे, बस अंदर ही रहेंगे, अपना चिल करेंगे, ऐसा कुछ किया एक भी दिन? प्रतिदिन प्रभुपाद की सेवा कर रहे हैं। अभी हमने श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की इतनी कीर्ति महिमा सुनी है, अंत तक भी ब्यूरो मीटिंग अटेंड करने के लिए गए प्रभुपाद की सेवा के लिए। उनके मन में ये नहीं आया कि चलो मैं तो वृंदावन में रहूँगा, बढ़िया भजन करूँगा, यहाँ पर ही मेरा निवास करूँगा, नहीं, सेवा। प्रहलाद महाराज ने उसको भी स्वीकार किया। इतना गुणगान नारद मुनि जब करते गए, प्रहलाद ने अपने कान बंद कर लिए। हम होते तो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते, लेकिन कान बंद कर लिए। और उसके बाद नारद मुनि बोलते हैं कि अकेले आप ही क्यों, आपके कारण हम सबने भगवान को जीत लिया है। कैसे? क्योंकि आपसे हमारा संबंध है, मैं आपका गुरु हूँ, इसलिए भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। देखो प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में लिखते हैं एक जगह, ध्रुव महाराज की जब माता सुनीति जा रही थी भगवत धाम, प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इसी तरह अगर मेरा कोई शिष्य शुद्ध भक्त बन के भगवत धाम जाएगा, उसके भरोसे पर मैं भी पहुँच जाऊँगा। ये नारद मुनि की कृतज्ञता प्रहलाद के लिए। इस तरह गुणगान होता गया होता गया, लेकिन अब प्रहलाद महाराज से सहन नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज ने बीच में रोक दिया। 17 नंबर श्लोक, प्रहलाद महाराज रोक के बोलते हैं कि वास्तव में मुझे ये सब मिला क्यों? मिल गया। महताम उपदेशस्य बालात् बोधतमे सति हरे भक्तो प्रवत्तानां महिमा पादकानि च विज्ञानाभिभवो बालेश उपदेशा षड् इहितम् अर्थ प्राणी दया मोक्षा श्यानंगीकरणादि च। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, मैं जो एक बाल्य अवस्था में भक्ति कर पाया, इतना कुछ सहन कर पाया, आप जो कुछ बोल रहे हैं वो सही है। देखो ना तो रजोगुण में फूले ना तमोगुण में नकारा, जो कुछ आपने बोला सब कुछ सही है, लेकिन ये हुआ किस लिए? क्योंकि मुझे आपकी कृपा मिली, नहीं तो मैं तो नरक में जाने वाला था। एवं जन्म निपतितम प्रवाही कूपे, मैं तो जा रहा था नरक में ही जा रहा था, लेकिन केवल आपकी कृपा मुझे मिली, इस कारण से मैं वहाँ से बच के आज भगवत भक्ति कर रहा हूँ। सचिनंदन स्वामी महाराज बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो बोलते हैं एक बार उनको एक स्वप्न आया, और स्वप्न में क्या देखा उन्होंने कि उनकी मृत्यु हो गई है। स्वप्न में देखा कि महाराज की मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद ये बड़े बड़े यमदूत आए उनको पकड़ने के लिए। ये स्वप्न में देख रहे हैं, यमदूत घसीट के उनको ले जा रहे हैं, जो भागवत में दृष्टांत है, घसीट के ले जाया जाता है, ये किया जाता है, वो इस तरह घसीट के यमदूत ले जा रहे हैं, और यमदूत यमराज के सामने खड़ा कर देते हैं। और यमराज चित्रगुप्त को बोलते हैं निकालो इसका हिसाब निकालो, क्या क्या दंड इसको देने हैं। चित्रगुप्त पढ़ने लगते हैं, इतने जन्मों में इसने ये पाप किए हैं, इसको ये दंड मिलना है, इसको ये नरक में भी जाना है, इसको उबालेंगे, इसको काटेंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे। ये सुन के सचिनंदन महाराज कपकपाने लगते हैं, और उसी समय चित्रगुप्त बोलते हैं ओ नो वी कैनॉट पनिश हिम, ही इज डिसाइपल ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। एकमात्र प्रभुपाद की कृपा मिली है, इनको हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के सचिनंदन महाराज सपने से जाग जाते हैं, बोलते हैं वाह क्या मिला है हमको। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं मेरे अंदर सारे अवगुण थे, और आप जो कुछ बात बोल रहे हो हाँ वो सही बात है, मुझे भगवान की कृपा मिली सब कुछ, लेकिन किसकी वजह से? आपकी वजह से, आपकी संगति मुझे मिली है। श्लोक संख्या 23, विचित्र सेवा दानम भी हनुमत प्रभवृष्ट इव प्रभो प्रसाद भक्तेषु मत षड्भिर्न चेतरा। इसीलिए वास्तव में भगवान ने मुझ पर कृपा करके जो सेवा दी है वो आपके कारण दी है, और अगर आप नहीं होते तो मुझे भगवान की कृपा कभी नहीं मिलती। इसलिए वास्तव में सबसे बड़ी कृपा क्या है? गुरु का आश्रय, और गुरु के आश्रय से भगवान की सेवा मिलती है। उस सेवा से बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं है,
ये प्रेम का सर्वश्रेष्ठ लक्षण है सेवा। श्रुत कीर्ति प्रभु जब आए थे उन्होंने बहुत सुंदर बात बताई थी। उन्होंने प्रभुपाद के साथ भक्तों को देखा, भक्त लोग बड़े रोते थे, भावुक हो जाते थे, तो प्रभुपाद के पास जाके बोले, प्रभुपाद मुझे ऐसी भावना क्यों नहीं आती है, मुझे आपको देख के रोना क्यों नहीं आता है, मुझे आपको देख के भावुकता क्यों नहीं आती, क्या मेरे अंदर प्रेम नहीं है, मेरे अंदर आपके लिए बिल्कुल प्रेम नहीं है। प्रभुपाद उनको बोले, क्या तुम्हें तुम्हारी सेवा अच्छी लगती है? हाँ, सेवा मुझे अच्छी लगती है। डू यू लव योर सर्विस? क्या तुम तुम्हारी सेवा को प्रेम करते हो? हाँ, मेरी सेवा को मैं प्रेम करता हूँ, बस यही मेरे लिए प्रेम है। सेवा के लिए प्रेम मतलब मेरे लिए प्रेम है। कई बार हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि अरे गुरु की कोई वस्तु मिल जाए, गुरु की कोई कृपा मिल जाए, है ना। एक बार गुरु महाज से किसी ने पूछा था मायापुर में कि गुरु महाज, आपने तो प्रभुपाद की इतने साल सेवा की है, तो आपके पास प्रभुपाद की कोई दी हुई वस्तु है, जैसे कोई भेंट दी हो प्रभुपाद ने आपको, कोई चीज़ रखने के लिए दी हो, ऐसी कोई वस्तु है आपके पास? गुरु महाज बोले, हाँ। अरे क्या है, आज तक तो देखी नहीं, क्या है? पर्ची आ गई, ठीक है सर। यस, क्या वस्तु है? गुरु महाराज बोले, श्रील प्रभुपाद उनका इस्तेमाल किया हुआ सारा सामान, उनके सारे परिकर और उनका पूरा इस्कॉन प्रभुपाद मेरे हृदय में देखे गए हैं, वो मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो उस तरह गुरु की सेवा, भगवान की सेवा सबसे बड़ी संपत्ति है। तो उस तरह प्रहलाद महाराज का बहुत सुंदर चरित्र है। आप लोगों ने बहुत तपस्या की कि आपने एक घंटा मुझे सुना। तपस्या का फल मीठा होता है। क्या मीठा फल है? कि अभी हमको संग देने के लिए आ रहे हैं श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। अभी हम लोग महाराज से श्रवण करेंगे नृसिंह कथा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की समवेत भक्त वृंद की निताई गौर प्रेमानंदे। ओके, प्रभु जी ने जो क्लास में बताया था, व्हाट इज द रियल महोत्सव, वास्तविक महोत्सव क्या है? यस, भगवान के भक्तों के बारे में। हाँ, हरि बोल, वेरी गुड। भगवान के भक्तों की महिमा सुनते हैं, ठीक है। और प्रभु जी ने कोट किया जो है एक भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ, उसके रचे उसको किसने लिखा है? पहली बार जो आया है, जो पहली बार आए हैं अभी यहाँ पे, ऐसे कोई आंसर देना चाहते हैं? आप लोग सब सीनियर हैं, आप तो रेगुलर आ रहे हैं। हाँ, नए लोगों के लिए क्वेश्चन था, ये तो नया कोई नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। भक्ति गुरु ठाकुर ने तीन प्रकार के भक्त बताए, कौन कौन से? ओनली वन एंट्रीज। फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग आंसर? हाँ बोलिए, आपको बोलिए। निरपेक्ष, क्या बताएंगे, क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। परिनिषद हरि वो। ओके, कितने प्रकार के स्वर्ग बताए? मेन कैटेगरी जिन्होंने आंसर नहीं दिए, आप इसको देख देख तो ये नीचे, ठीक है। महाराज ने भी उसका आंसर दिया और राधापाल प्रभु ने भी उसको क्वेश्चन कवर किया था, धीर व्यक्ति कौन है? और राधापाल प्रभु ने, महाराज ने एक पॉइंट कवर किया उसमें, राधापाल प्रभु ने चार पॉइंट कवर किए थे। चारों बताना है किसको? प्रभुपाद जी ने अलग अलग पुस्तकों में बताया गया धीर व्यक्ति की परिभाषा, एटलीस्ट चार बजे तीन बताइए कम से कम। यस, वन पॉइंट और देखने प्रभु, हरी बोल, देख लास्ट ऑप्शन है देखने का, अभी बिना देखे बता सकते हैं तो। अच्छा, यस प्रभु, आपने हंड्रेड किया था। हाँ, जो प्रभु की सिचुएशंस में अपने आप को रोक सकता है, कंट्रोल करता है। भगवत गीता के हिसाब से धीर कौन? सुख दुख में जो जो परिवर्तन है ना, उसमें चेंज अपने आप को डिस्टर्ब नहीं महसूस होता, ठीक है। और महाराज ने बताया, व्हाट इज द बिगेस्ट विक्ट्री, सबसे बड़ी जीत क्या है? माता जी इसकी तरफ से बता सकते हैं?
जिसने आंसर नहीं दिया अभी तक, जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया, ऐसा कोई है जितने आंसर नहीं दिया? माता जी आपको सारी बुक स्पॉन्सर करनी पड़ेगी, बिना हैंड रेज किए आंसर देंगे। जिन्होंने अनियंत्रित इंद्रियों को कंट्रोल कर रखा है, हरी वो। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न है लेकिन समय हो गया है, क्योंकि महाराज जी क्लास से थोड़ा सा आप लोगों को रेस्ट भी चाहिए, और उन लोगों का जो प्रारंभ से सेशन में बैठे हुए हैं उन सभी लोगों के लिए भी गिफ्ट है। हम निवेदन करेंगे इस देश कृष्ण जी और गुरु जी से, वो अपने हाथ से गिफ्ट दें और तीसरा लीजिए ना, और जिससे कि हमें नरसिंह देव की सभी, इसीलिए प्रहलाद महाराज के दिव्य दिव्य उपदेश हैं ये आपको प्राप्त हो रहे हैं प्रभुपाद जी कृपा से, इसको पढ़िए अच्छे से, आ जाइए आप दीजिए प्लीज, हरे कृष्णा। और साथ में हम धन्यवाद करेंगे विशाल प्रभु जी का, जो भी इतना देर से कथा भी श्रवण कर रहे हैं साथ में रिकॉर्डिंग के लिए समय निकाला है उन्होंने, और इसके बाद तुरंत कंटिन्यूसली उनकी और भी सेवाएं हैं, तो प्रभु जी का और आप सभी लोगों का एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हरे कृष्ण। आ जाइए जिन जिन्होंने आंसर दिए हैं आ जाइए, और जो लोगों ने सारे सेशन अटेंड किए वो लोग भी आ जाइए प्लीज। प्रो हाँ जी, माता जी ने किसी ने आंसर दिया था ना, हाँ जी ये बंद कर दी सेटअप। और कौन है सारे सेशन जिन्होंने अटेंड किए? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिन्होंने सारे सेशन अटेंड किए ऑनेस्टली और ऐसा कोई नहीं है जिसने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं नहीं मिला है गिफ्ट ले लीजिए। रिकॉर्डिंग करने के लिए पूरा सारे सेशन तो आपने अटेंड किए। हरे कृष्णा। ओके एनीवन रिमेनिंग? ओके गॉड थैंक यू। हरे कृष्णा।